तो दोस्तों हाजिर हो फिर से एक नए कमेंट रिप्लाई बॉक्स में। दोस्तों पिछला कमेंट रिप्लाई बॉक्स 2 पार्ट आप लोगों ने जरूर देखा होगा, जिसमें आप लोगों के बैंक अकाउंट से 330 रुपए और 12 रुपए PMJJBY का प्रीमियम काटा गया था, लेकिन वही प्रीमियम आपको बीमा कंपनी द्वारा आपके बैंक अकाउंट पर वापिस कर दिया जा रहा है। मजे की बात तो यह है फ्रेंड्स कि जब आप लोगों के अकाउंट से 330 रुपए का प्रीमियम लिया गया था तो उस समय आप लोग बहुत ज्यादा परेशान हुए थे, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा परेशान अब हो रहे हैं जब आपके अकाउंट पर बीमा प्रीमियम वापिस किया जा रहा है। और आप लोग सोचते होंगे कि बीमा प्रीमियम वापिस करके बैंक द्वारा आपके साथ कौन सा खेल खेला जा रहा है, जो कभी अकाउंट से अमाउंट डेबिट किया जाता है तो कभी अकाउंट पर अमाउंट क्रेडिट किया जाता है। तो दोस्तों मैं कुमार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कुमार सर्च में। दोस्तों सही समय पर वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में बेल आइकन को भी दबाएं, और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, मगर सब्सक्राइब करना इसलिए जरूरी है कि आजकल बैंकों में सब कुछ बदल गया है, रातों रात कुछ भी हो सकता है, कोई भी सर्विस कभी भी लग सकती है, कोई भी चार्ज कभी भी कट सकता है। तो आपको सीधा ले चलते हैं वीडियो के मेन टॉपिक पर। तो दोस्तों यहाँ पे पहला कमेंट कर रहे हैं शांतिलाल पट्टीदार जी, इनके पास एक मैसेज आया है, डियर कस्टमर प्लीज अरेंज टू मेंटेन रेट 436 रुपए फॉर ऑटो डेबिट ऑफ रिन्यूअल प्रीमियम फॉर PMJJBY इंश्योरेंस पॉलिसी फ्रॉम 1 जून से 30 जून SBI। इनका कहना है सर मेरे पास ये मैसेज आया है तो क्या हर महीने लगेगा पैसा क्या? देखिए भाई, जो आपके अकाउंट पर PMJJBY सर्विस चल रही है इसका प्रीमियम आपको साल में एक बार देना होता है, लेकिन अगर आपके अकाउंट से मई माह में ही 300 रुपए कटे हैं तो आपको जानकारी लिख बता देता हूं कि 1 जून 2022 से आपको 330 रुपए की जगह 436 रुपए देने होते हैं, जबकि अगर 436 रुपए के लिए मैसेज आया है तो आपका पुराना प्रीमियम वापस किया जाएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा में पुराना प्रीमियम वापस किया जा रहा है लोगों का, उसके बाद हो सकता है शायद 436 रुपए लिया जाएगा। इन केस अगर पुराना प्रीमियम आपके अकाउंट पर क्रेडिट नहीं होता है और न्यू प्रीमियम आपके खाते से 436 रुपए डेबिट होता है तो आप जाकर के बैंक मैनेजर से पूछिए, वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। न्यू कमेंट कर रही है हिट सॉन्ग, ये कह रही है हम PMJJBY बंद कराना चाहती हूँ, लेकिन CSP वालों ने बोल रहा है कि बंद नहीं होगा क्योंकि बंद करना बैंक बंद कर दिया है, पहले बंद कर सकते थे अब नहीं होगा। हाँ जी सही बात है, अब जो है CSP वालों के पोर्टल पे PMJJBY क्लोजर का ऑप्शन हटा दिया है। अगर आपको PMJJBY क्लोज करवाना है तो आप जाकर के ब्रांच में एक एप्लीकेशन दे दीजिए, वो लोग आपका PMJJBY सर्विस कैंसिल कर देंगे। नेक्स्ट कमेंट कर रहे हैं रसिया म्यूजिक HD, डियर कस्टमर प्लीज अरेंज टू मेंटेन रेट 436 फॉर ऑटो डेबिट ऑफ रिन्यूअल प्रीमियम फॉर PMJJBY। देखिए इससे पहले शांतिलाल पट्टीदार जी ने सेम कमेंट किया है, आप उनका रिप्लाई जाकर देख लीजिए, सेम प्रॉब्लम है। नेक्स्ट कमेंट कर रही है निकाहत नूर जी, ये कह रही है मेरे भी 330 रुपए 29 मई को काटे हैं लेकिन 10 जून को वापिस आया, ऐसा क्यों, प्लीज रिप्लाई। देखिए भाई इसी टॉपिक को मैंने रिसेंट वीडियो बनाया है और BOP हेल्पलाइन पे कॉल करके पूछा तो उन्होंने बताया कि ऐसा कोई अपडेट अभी हमारे पास नहीं है, लेकिन शायद आपको जो लग रहा है वही मुझे भी लग रहा है कि पुराना चार्ज 330 रुपए वापिस करके न्यू चार्ज 436 रुपए लेने के चक्कर में है बैंक वाले। नेक्स्ट कमेंट कर रहे हैं चेतन बोरसी जी, ये कह रहे हैं सर वो 330 रुपए रिवर्सल हो गए फिर अकाउंट में आ गए तो क्या ऑनलाइन चेक कर सकते हैं फुल डिटेल? नहीं भाई, ज्यादा कुछ तो नहीं दिखेगा, बट इतना दिखेगा कि उस लाइन में रिमार्क में 330 रुपए रिवर्सल फॉर PMJJBY ऐसा लिखा होगा बस। नेक्स्ट कमेंट कर रहे हैं तेजस मोदी जी, ये कह रहे हैं क्रेडिट ओल्ड प्रीमियम एंड डिटेक्ट न्यू रेट ऑफ 436 टिल 30 जून एज पर BOP हेल्पलाइन। कहने का मतलब इन्होंने BOP हेल्पलाइन पर कॉल किया है तो उन लोगों ने कहा है 30 तारीख से पहले पहले 30 जून से पहले पहले पुराना चार्ज वापस करके न्यू चार्ज 436 रुपए लिया जाएगा, जबकि मैंने आपको लाइव दिखाया था ऐसा कुछ उन्होंने नहीं कहा है, तो ठीक है। नेक्स्ट कमेंट कर रहे हैं DK माथुर जी, ये कह रहे हैं PMJJBY को बंद करना चाहते हैं, बताइए कैसे बंद होगा? भाई देखिए माथुर जी, मैंने इस टॉपिक पे ऑलरेडी वीडियो बना दी है, आप वीडियो को वॉच कर सकते हैं, हाउ टू क्लोज PMJJBY सर्विस ऐसा करके कुछ है, आप सर्च करके आप वीडियो को वॉच कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक आपको मिल जाएगा, यहाँ पर जाकर फुल वॉच कर सकते हैं, आप ऐसा फॉलो कर लीजिए आपका PMJJBY सर्विस बंद हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट कमेंट कर रहे हैं कपिल सिंह जी, ये कह रहे हैं 436 कटेंगे दोबारा? भाई देखिए ये दोबारा नहीं कटेंगे, साल में एक ही बार आपको बीमा प्रीमियम देना होता है, दोबारा आपको 2023 में देना होगा। नेक्स्ट कमेंट कर रहे हैं सनी सिंह, ये कह रहे हैं BOP वर्ल्ड लॉक हो जाए तो अनलॉक कैसे करें? ATM से नहीं होता है, बैंक ब्रांच जाना पड़ता है, बहुत बार ट्राई किया मैंने नहीं हुआ है। भाई अगर आपके पास डेबिट कार्ड है तो आपको ब्रांच जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप ATM मशीन पे जाइए और न्यू पिन के लिए अप्लाई कीजिए, न्यू पिन जनरेट कीजिए, अगर उससे भी नहीं काम चलता है तो आप अपने BOP वर्ल्ड को डीरजिस्टर कर दीजिए और फिर रजिस्टर करिए, आपको एक्टिवेशन की मिल जाएगा और नए तरीके से आप उसको इंस्टॉल कर लीजिए। नेक्स्ट कमेंट कर रहे हैं कार्तिक पाउल जी, ये कह रहे हैं मेरे अकाउंट में पैसे हैं फिर भी 2 साल से PMJJBY बंद हो गया है, कैसे फिर से चालू करें?
देखिए भाई, यहाँ पे लोगों का पैसा कटा है पीएमजेजीवाई और एसबीवाई में, तो उनको बहुत परेशानी हो रही है। और आप पूछ रहे हैं कैसे चालू होगा, ठीक है, आप जिम्मेदार आदमी हैं, आपने भी बच्चों घर द्वार का आप ख्याल रखते हैं, ठीक है, आप अपने ब्रांच जाइए जहाँ पे आपका अकाउंट है, वहाँ पे आप इनरोलमेंट का फॉर्म ले लीजिए पीएमजेजीवाई एसबीवाई का, और इनरोलमेंट करवा दीजिए, ठीक है, हो जाएगा बहुत आसानी से, ब्रांच से आप संपर्क कर लीजिए। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप भी कमेंट कीजिए भाई, बहुत अच्छा लगता है कमेंट का जवाब देने में।